पुलिस आयुक्तालय नागपुर शहर और यातायात विभाग इनके संयुक्त तत्वावधान में जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व डीसीपी दीपाली मासिरकर इन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को हेलमेट इस्तेमाल करने के बारे में बताकर अपने और अपने परिवार सुरक्षा करने का संदेश दिया। आए दिन शहर में सड़क दुर्घटनाएं होती है, कभी तेज रफ्तार से दुपहिया चलाकर संतुलन बिगड़ने से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, इससे जान माल का भी काफी नुकसान होता है। लेकिन हम अगर हेलमेट का इस्तेमाल करें तो हम इन सड़क दुर्घटनाओं से खुद को बचा सकते हैं। इसी हेलमेट का इस्तेमाल करने का संदेश देकर मंगलवार को शहर में यातायात विभाग द्वारा महिला पुलिस कर्मियों ने बाइक रैली निकाली थी। पुलिस उपायुक्त कार्यालय से शुरू की गई रैली शहर के विविध भागों से निकाली गई। इस दौरान बड़े पैमाने पर महिला पुलिस कर्मी मौजूद थे। डीसीपी दीपाली मासिरकर इनके नेतृत्व में आयोजित इस रैली में सभी नागरिकों को हेलमेट इस्तेमाल करने के बारे में जन जागृति की गई। हेलमेट का इस्तेमाल करके कैसे हम खुद को अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, यह उपस्थितों को समझाया गया। वुमेन्स डे आपने बाइक रैली का आयोजन किया, इस बारे में बताइए। बेसिकली जो सुरक्षा होती है वो घर में महिलाओं के साथ ही होती है, माँ ही हमेशा टोकती रहती है कि अच्छे से चलाइए, हेलमेट पहन के चलाइए। तो हमें मैसेज यही भेजना है कि जब घर से कोई आदमी निकले या औरत भी निकले तो पहले औरत हो कि अपना हेलमेट लाके आदमी को दे और बोले कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहन के राइड करे बाइक। और मैम, इसके अलावा आज के दिन पे आप सीपी हैं, तो मैम क्या आपने बाकी अपने कार्यकाल में इस दिन के लिए चेंज किया? ये गलत फहमी है कि हम सीपी हैं, हम डीसीपी ही हैं। एक्चुअली आइडिया यही था कि जो पुलिस स्टेशन में जो महिला अधिकारी है उनको चार्ज दिया जाए, ताकि एक एम्पावरमेंट का एक मैसेज जो है लोगों तक पहुंचे। क्योंकि एक जब एक महिला सुरक्षित रहती है तो पूरा परिवार सुरक्षित महसूस करता है, और जब एक महिला को लोग यूनिफॉर्म में देखते हैं तो उनको हिम्मत आती है। तो वही मैसेज हम सबको देना चाहते हैं, इसी कारण हमने सारे जो पुलिस स्टेशन में है वहाँ पर महिला अधिकारियों को चार्ज लेने बोला है पुलिस स्टेशन का। और मैम, जो बाकी अगर महिलाओं को समस्याएं होती हैं आम दिनों में भी और बाकी टाइम में भी वो आके नहीं सामने आ पाती हैं, आज वुमेन्स डे होने के नाते आप उन सभी लड़कियों महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? महिलाओं को शक्ति, जब शक्ति बोलते हैं तो दुर्गा का नाम लिया जाता है, तो शक्ति जो की जो शुरुआत है वो महिला से होती है। तो महिलाओं को डरना नहीं चाहिए, हम में इतना दम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, आसमान भी छू सकते हैं। बस इसी हिम्मत के साथ वो काम ले और हर कोई अन्याय जो अपने साथ भी हो और बाकियों के साथ भी हो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाए, और आई एम श्योर हिम्मत के साथ काम ले तो हर कोई चीज़ वो पा सकते हैं। इस रैली के दौरान डीसीपी दीपाली मासिरकर इन्होंने महिला दिन की शुभकामनाएं देते हुए महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। हैप्पी वुमेन्स डे। मैं ऐसा सोचती हूँ कि एवरी डे महिलाओं को एक हैप्पी डे होना चाहिए, ना कि एक दिन, क्योंकि 365 डेज होते हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ ये गलत बात है कि एक ही दिन महिला हैप्पी वुमेन्स डे कहलाए, इंस्टेड ऑफ दैट 364 डेज हमारे होने चाहिए, ना कि बल्कि एक दिन हमारा होना चाहिए। और मैं महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि ताकत हाथ में नहीं दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में ताकत है, हिम्मत है, आप तो सब कुछ कर सकते हो। और ये सेफ्टी अवेयरनेस रैली के माध्यम से हम सबको ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम सुरक्षितता रखना बहुत ज़रूरी है, पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारा बाहर निकलता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बाहर निकलते हैं दिन भर, सुबह स्कूल जाने से और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम बाहर निकलते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि बाहर निकलते वक्त टू व्हीलर पे हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा मैसेज है हम सारे महिलाओं को या सारे नागपुर वासियों को देना चाहते हैं, तो प्लीज़ हेलमेट पहनिए, खुद के लिए पहनिए, हमारे लिए नहीं। वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे, थैंक यू। इस बाइक रैली में उपस्थित महिला पुलिस कर्मचारियों ने भी बड़े उत्साह के साथ सहभाग लेते हुए महिलाओं को इस हेलमेट शक्ति के आदेश का पालन करने का आह्वान किया। कैमरा पर्सन रोशन बुकरे के साथ अनिता शिरपुरकर की रिपोर्ट, सिटी विदर्भ न्यूज के लिए।